हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज दिनांक 6 दिन रविवार है, वही हिंदी महीना कार्तिक और शुक्ल पक्ष की 13वीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, कर्ज लेने वालों के लिए राहत की खबर है। यदि आपने बैंकों से कर्ज लिया है और अभी तक उसे नहीं चुकाया है तो आपको बैंक परेशान नहीं करेगा, क्योंकि आपको ये अधिकार मिलते हैं। यदि आप इन अधिकारों का उपयोग करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, यदि कोई बैंक ग्राहक को लोन के पैसे न चुकाने की स्थिति में डराता है, धमकाता है, तो इसकी शिकायत पुलिस से करके खुद के लिए आप पेनल्टी की मांग कर सकते हैं। RBI के रूल्स के मुताबिक ये आपके अधिकार में आता है। दोस्तों, यदि कोई ग्राहक अगले 90 दिनों के अंदर किस्त के पैसे जमा नहीं करता तो उसे बैंक नोटिस जारी करता है। इसके बाद 60 दिन का वक्त मिलता है पैसे जमा करने के लिए। इसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति पैसे जमा नहीं करता तो बैंक उसकी गिरवी रखी संपत्ति यानी घर, मकान, कार, जमीन, बंगला, सोना चांदी आदि वस्तुएं बेचकर पैसे को वसूल कर सकता है। अगर आपने बैंक से लोन लिया है और आप उसे चुकाने में विफल हैं तो बैंक आपको इसकी रिकवरी के लिए संपर्क कर सकता है। लेकिन किसी भी ग्राहक से वसूली करने का अधिकार किसी भी बैंक अधिकारी को या रिकवरी एजेंट को नहीं है। अगर कोई आपको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है तो आप इसकी शिकायत पुलिस से कर सकते हैं। RBI रूल के मुताबिक ये आपके अधिकार में आता है। इस प्रकार से अधिकारों का उपयोग करके आप परेशानियों से बच सकते हैं। दोस्तों, हवाई यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी है। इंदौर से अब 23 शहरों के लिए सीधी उड़ान भरेगी फ्लाइट। दोस्तों, इंदौर एयरपोर्ट में नई नई चीज़ें देखने को मिल रही है। दरअसल एक महीने में ही 4 फ्लाइट की शुरुआत हुई है। इन फ्लाइट में चंडीगढ़, जबलपुर, ग्वालियर और बिलासपुर शामिल हैं। यह सभी सौगातें केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने दी है। दोस्तों, खास बात यह है कि अब इंदौर में 70 से ज़्यादा सीधी फ्लाइट 23 रूट पर चलने वाली है। इतना ही नहीं, इंदौर में वाराणसी और कोची की भी फ्लाइट जल्द ही शुरू होने वाली है। इस प्रकार ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने प्रदेश को फ्लाइट के रूप में दी है बड़ी सौगातें। दोस्तों, EPFO ने कर्मचारियों को दिए बड़ी खुशखबरी। EPFO ने PF पर ब्याज देना शुरू कर दिया है। दोस्तों, त्योहारी सीजन के बीच PF खाता धारकों के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने खाता धारकों के PF खातों में ब्याज की रकम ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, जल्द ही EPFO के 7 करोड़ सब्सक्राइबर के अकाउंट में इंटरेस्ट का पैसा आना शुरू हो जाएगा। इसकी जानकारी EPFO ने हाल ही में ट्वीट करके दी है। दोस्तों, केंद्र सरकार के खाते में जमा कुल 72,000 करोड़ रुपए नौकरी पेशाओं के खाते में भेजा जाएगा। EPFO ने 7 करोड़ सब्सक्राइबर के खाते में वित्त वर्ष 2022 का पैसा भेजना शुरू कर दिया है। एक सप्ताह के अंदर सभी कर्मचारियों के खाते में PF के ब्याज का पैसा पहुंच जाएगा। दोस्तों, सॉफ्टवेयर में बदलाव के बाद अब केंद्रीय सर्वर से पूरे देश के खाता धारकों को एक साथ ब्याज का पैसा मिलना शुरू होगा। माना जा रहा है कि अगर किसी कर्मचारी के बैंक खाते में 1 लाख रुपए जमा है तो ब्याज की रकम 8,100 रुपए आएगी, और यदि किसी कर्मचारी के बैंक खाते में 10 लाख रुपए PF जमा है तो उनके बैंक खाते में ब्याज की राशि 81,000 रुपए आएगी, अर्थात PF पर ब्याज 8.1% मिल रहा है। दोस्तों, किसानों के खाद संकट पर कमलनाथ जी ने शिवराज सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि खाद संकट पर प्रदेशव्यापी आंदोलन करेंगे। दोस्तों, कमलनाथ जी ने कहा कि प्रदेश में खाद का भयावह संकट है। अधिकांश हिस्सों में किसान खाद के लिए कई कई दिनों तक लंबी लाइनों में लगे हैं, खाद के लिए धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार चुपचाप बैठी है, किसानों को खाद नहीं उपलब्ध करा रही है। दोस्तों, कमलनाथ जी ने कहा कि खुद मुख्यमंत्री और प्रदेश के कृषि मंत्री के क्षेत्र में खाद का भारी संकट व्याप्त है, लेकिन सरकार सच्चाई स्वीकार करने की बजाय कह रही है कि प्रदेश में खाद का कोई संकट नहीं है। दोस्तों, कमलनाथ जी ने कहा कि शिवराज अपने कार्यालय में बैठकर खाद की समीक्षा कर रहे हैं। यदि उन्हें खाद के संकट की वास्तविकता जानना है तो उन्हें किसानों के बीच मैदान में जाना चाहिए ताकि उनको वस्तु स्थिति का पता चल सके। वहीं अब कमलनाथ जी ने चेतावनी दी है कि खाद को लेकर हम प्रदेश भर में किसानों के साथ खड़े होंगे और खाद को लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन करेंगे, क्योंकि प्रदेश का किसान पहले से ही परेशान है, अभी तक खराब फसलों का मुआवजा नहीं मिला है। इस प्रकार पूर्व CM कमलनाथ जी ने CM शिवराज सिंह चौहान को शिवराज सरकार को लताड़ा है।
दोस्तों, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आप 30 नवंबर से पहले आवेदन कर सकते हैं और छात्रवृत्ति का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के छात्र छात्राओं के लिए काम की खबर है। यदि आपको शिक्षा हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति लेना है तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल scholarship.government.in पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन करें और यह आवेदन 30 नवंबर तक कर सकते हैं। दोस्तों, पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति 1,000 रुपये से लेकर के 25,000 रुपये तक दी जाएगी। आवेदन के लिए आप अपने नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर पर जाकर के भी आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, देश में राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। इस यात्रा पर कमलनाथ जी की सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ हुई मीटिंग। दोस्तों, देश में राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर को मध्य प्रदेश पहुंच रही है। यात्रा का संचालन मध्य प्रदेश में अच्छा हो, इसलिए कमलनाथ जी और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। 40 मिनट की चर्चा के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दोनों नेताओं को यात्रा को लेकर अच्छा आश्वासन दिया। दोस्तों, रेल यात्रियों को लेकर बड़ी खबर है। जबलपुर और नागपुर रेल मंडल में पटरी सुधार कार्य चल रहा है, जिससे 100 से ज़्यादा ट्रेनें रद्द हो गई है और कई ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं। दोस्तों, त्योहारी सीजन खत्म होते ही रेलवे ने पटरी सुधारने और नई पटरियों को बिछाने का काम तेज कर दिया है। इसके लिए रेलवे ने लगभग 100 से ज़्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया है, तो वहीं 30 से ज़्यादा ट्रेनों के रूट बदल दिए हैं। ट्रेन रद्द होने की वजह से हज़ारों यात्रियों का सफ़र भी रद्द हो गया है। दोस्तों, सिंधिया समर्थक पूर्व मंत्री इमरती देवी जी ने पंडित पड़ोखर सरकार से पूछा कि उन्हें किसने हराया, तो जवाब में मिला कि उन्हें आपके पार्टी के ही नेता ने हराया है। 2014 में मैं गई थी जब लोकसभा चुनाव लड़ी थी, मालूम है। तो एक तो मैं राजनीति बहुत साफ सुथरी करती हूँ, फिर भी मुझे चुनाव कैसे हराया, और दूसरी मेरी बिटिया की बिटिया, नातनी मेरी 3 साल की हो गई, अब वो बोलती नहीं। दो मेरे पकड़िए, हमें लिखा है राजनीतिक उन्नति होगी, विस्तार होगा, हराए हुए व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाएगा, आपके ही वर्तमान की पार्टी का व्यक्ति है। आप पढ़ लीजिए, आपके ही वर्तमान का पार्टी का व्यक्ति है। अब व्यक्ति में तो बहुत लोग है, पूरी दुनिया है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन इतना जरूर है कि आपकी राजनीति में बैठे, आपकी राजनीति में विस्तार होगा, उन्नति होगी, और आपको हारने पर भी जीत, और जीतने के बाद भी आपने सीधा 6 मार दिया, अध्यक्ष अपना बना लिया, उपाध्यक्ष अपना, तो ये भगवत कृपा है। पार्टी की इच्छा है कि आप बढ़ो आगे, और कांग्रेस भी आपकी थी, भाजपा भी आपकी है, और मैन है कांग्रेस भाजपा की जनता, जिसने आपको नेता माना, जिसने अपना मुखिया माना, अपनी बात रखने की क्षमता आप में दी, इसी के लिए आपको साधुवाद आशीर्वाद। पंडोकर सगा का दर्शन करें, हारे वाले व्यक्ति का नाम नहीं बताया जा सकता है। दोस्तों, कुछ दिन पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान को जिस मार्ग पर लगे थे दचके, उसे पीडब्ल्यूडी ने कर दिया चकाचक, बाकी मार्ग जैसे के वैसे हैं। दोस्तों, प्रदेश की राजधानी भोपाल के शाहजहानाबाद चौराहे से ताजमहल जाने वाली सड़क पर पहले काम हुआ। सीएम शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी के बाद फिर से नई सड़क बन गई। इसके आसपास के इलाकों की सड़कें आज भी जर्जर अवस्था में हैं। अब स्थानीय लोगों की मांग है कि इन्हें भी जल्दी दुरुस्त किया जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान कुछ दिन पहले इस सड़क से गुजरे थे, जहां पर उन्होंने देखा कि यहां पर सड़कें खराब हैं, गड्ढे पड़े हुए हैं। उस दौरान उन्होंने अधिकारियों की जमकर क्लास ली थी। उस क्लास का ही नतीजा था कि पीडब्ल्यूडी ने उस सड़क को चकाचक कर दिया, लेकिन बाकी सड़कें जैसी की वैसी पड़ी हैं। दोस्तों, जबलपुर में आज राष्ट्रीय पेंशन महाकुंभ होगा, इसमें पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की गई है। दोस्तों, एनपीएस के लागू होने के बाद 800 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक पेंशन कर्मचारियों की बन रही है, जिसके कारण पेंशनधारियों का परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। इसी के चलते पेंशनधारियों ने पेंशन महाकुंभ रखा है। उनका कहना है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब में पुरानी पेंशन लागू कर दी गई है, तो मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। इस पेंशन महाकुंभ में रक्षा विभाग, रेल विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम विभाग, कृषि विभाग के कर्मचारी भाग लेंगे,
और पेंशन महाकुंभ का आगाज करेंगे। यदि आप भी पुरानी पेंशन बहाली की मांग रखते हैं तो इस पेंशन महाकुंभ में शामिल हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।